18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर आज सरायकेला खरसावां जिले के भी विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं की भीड़ देखने को मिली। वैक्सीन लेने वाले युवा काफी खुश नजर आए और उनका कहना है कि दोनों डोज लेने के बाद वे काफी सुरक्षित हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराया था 18-45 के बिटवीन वाले एज गैप में और मुझे आज को वैक्सीन मिला है। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी था। अभी कोवैक्सीन लिया है। झारखंड सरकार का ये बहुत अच्छा पदक्षेप है कि हम लोग को फ्री में सरकार दिया जा रहा है। अभी अभी यहाँ पे आया हूँ 5 मिनट पहले, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि 5 से 7 मिनट के अंदर सारा का सारा ये कार्यक्रम हो गया। आधार कार्ड की जरूरत है। आज सुबह में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया 18+ की जो अवेलेबिलिटी हुई थी, और उसके बाद बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया। हम यहाँ पे आए, 5 मिनट के अंदर हमारा आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया गया, चेक किया गया और यहाँ पे आराम से कोवैक्सीन का डोज। प्रत्येक केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारियों के नेतृत्व में विधि व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। गम्हरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुर गौरी शंकर शर्मा ने टीका लेने वाले नौजवानों का उत्साह वर्धन किया। आज से 18+ वाले लोगों का हमारे जिला में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने 10 सेंटर्स बनाए हैं। सभी सेंटर्स पर जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और टाइम स्लॉट मिला हुआ है, वे सभी लोग आकर के अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर टीकाकरण काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग के बाद अब युवा भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। सरायकेला से अनुप मिश्रा की रिपोर्ट।